ang hara na ito, kami bumutak ang wa. Pahili ba ang iskati na nisi? और कई नीति निर्धारण ऐसे हुए हैं जहां रोजगार की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में 365 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस नियुक्ति पत्र में सबसे खास बात यह रही कि पहली बार झारखंड में सरकार ने किसी ट्रांसजेंडर को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं इस मौके पर अन्य नियुक्ति पत्र पाए लाभुकों में खुशी की लहर देखी गई। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है, आने वाले समय में युवाओं को इस राज्य में और रोजगार मिलेगी, ऐसी आशा है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मजबूत करने को लेकर कोशिश की जा रही है। अब झारखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आप लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आप लोगों को काम करना होगा। झारखंड के कैसे गांव हैं जहां अब तक जो स्वास्थ्य व्यवस्था उनके दरवाजे तक नहीं पहुंची है, कई ऐसे ग्रामीण हैं जो अब तक शहर का मुंह तक नहीं देखे हैं। ऐसे में आप लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उनके दरवाजे तक पहुंचाने में मेहनत और जिम्मेदारी आपके हाथी होगी। लेकिन आप सुनकर ये हैरान रहेंगे कि इस राज्य के लोग इतने सीधे साधे और भोले भाले लोग, वो कंपनी वाला गांव पहुंचकर उनके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए का जो दस्तावेज दिया, चेक दिया, तो गांव वालों ने कहा कि मुझे ये कागज नहीं चाहिए, मुझे मात्र 10 लाख रुपए। बताइए, कैसे लोग हैं? यहां तो सड़क पे 2 रुपया या 5 रुपया गिरा मिले तो तुरंत फट से इधर उधर मेरे उठा करके लोग जेब में डालो, लेकिन उसको कंपनी वाला आके 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है, लेकिन घर वाले लोग लेने को तैयार, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि आज दुनिया कितनी बदली। इसीलिए हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां लोग गलत लोगों के उपचारों की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। और हम लोग लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि मूलभूत सुविधा इस राज्य के ग्रामीण हो या शहर के लोग, सभी को प्राप्त हो, और इस पर निरंतर प्रयासरत है। हमारे साथ भी कई चुनौतियां हैं, ऐसे ऐसे गांव यहां पर हैं जहां के लोगों ने आज तक शहर नहीं देखा, न सरकार की व्यवस्थाओं से उनको बहुत ज्यादा कुछ लेना देना। बहुत सारे लोग आज के दिन में भी गांव में खाड़ खूब और अपने आधे अधूरे ज्ञान, जड़ी बूटियों के आधार पर अपनी परंपरागत तरीके से स्वास्थ्य उपचार में लगे रहते, और इसी के वजह से कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं, ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जहां आज के इस विकसित भारत में भी ऐसी खबरें जब चलती हैं तो सबका, सबके लिए बहुत बड़ा चिंतनीय विषय हो जाता है, सरकार के लिए भी विशेष रूप से। इसीलिए आप सब लोगों को राज्य के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति एक विश्वास के साथ आपको भी जुड़ना है,
और उनको भी जोड़ना है। अभी कल ही मैंने एक खबर सुनी कि चायवासा का कुछ मजदूर किसी दूसरे प्रदेश में किसी उद्योग में काम करते हैं और वो शायद कोई केमिकल फैक्ट्री थी और उस केमिकल फैक्ट्री में कुछ दुर्घटना हुआ, झारखंड के साथ दो तीन मजदूर की मृत्यु हो गई और एक मजदूर शायद मृत्यु के कगार पर है। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि उस कंपनी ने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है और उसमें यह था कि जो भी मजदूर हमारा मारा जाएगा उसको मुआवजा के तौर पर उनके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपया दे। भौगोलिक संरचना है उसको लेकर कई सारी चीजें पहुंचाने में थोड़ा वक्त भी लगता है और कहीं कहीं कुछ लोग जानबूझकर के भी वक्त लगा देते हैं। नतीजा जो मरीज होता है वो कई समस्याओं से उसे जूझना पड़ता है। पूरा देश और दुनिया को कोरोना महामारी ने हर चीज की औकात बता दी, अर्थव्यवस्था को औकात बता दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था को औकात बता दिया, सभी चीजों को प्रभाव। आप सब लोगों ने उस वक्त को देखा, पूरा देश दुनिया में क्या हालात रहे और झारखंड के लिए तो ऐसे ही हालात एक अभिशाप के बराबर है, जहां मजदूर तबके के लोग सबसे अधिक वास करते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आज पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं बल्कि अलग अलग विभागों के माध्यम से भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से हो रही है। कल्याण विभाग के अस्पताल में, श्रम विभाग के अस्पताल में, तो कई ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से स्वास्थ्य को लेकर सरकार कदम तो बढ़ाती है लेकिन उस कदम का लाभ दिखने की आवश्यकता है। कैसे दिखे? और इसके लिए जब तक हमारे पास हाथ नहीं होगा, मैन पावर नहीं होगा, कुछ चीजें हैं आज के दिन में, मशीनी युग है, तकनीक का युग है, मशीन से हो जाता है। आज सब रोबोटिक सिस्टम धीरे धीरे हर चीजों में अपना जगह बना रहा है। उद्योग कारखाने से लगभग पूरी तरीके से मशीनीकरण हो चुका है। स्वास्थ्य में भी बड़ी तेजी से मशीनों का उपयोगिता बढ़ा है लेकिन उसके बावजूद अच्छे डॉक्टर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए लोग झारखंड छोड़ करके या और कोई राज्य छोड़ करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अगर झारखंड में भी कोई बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया वैद्य है तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग राज्यों से उस वैद्य और या उस डॉक्टर के पास लोग दिखा रहे हैं। हम लोग भी जाते हैं
अलग अलग राज्यों में अच्छे डॉक्टरों के पास अच्छे स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए और कई चीजों के लिए हम लोग स्थानीय स्तर पर भी जाते हैं जहाँ अच्छे लोगों के पास काम करने की लालसा और लोगों का मेहनत से वो अपना वो मकाम बनाते हैं जहाँ लोग उसके पास खींचे चले जाते हैं। तो आप लोगों की भी भूमिका ऐसा ही हो और इसीलिए आप लोगों ने अपना मैन पावर को भी निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया। मंत्री जी ने कुछ स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति को लेकर इन्होंने बताया, जब से हम लोगों ने सरकार बनाया तब से उसको आए दिन कुछ ना कुछ चुनौतियां हमारे सामने आके खड़ी रहती है। कोरोना जैसा महामारी, फिर ऐसी स्थिति में जो बिखरा हुआ फसरा हुआ व्यवस्था को फिर समेटना, फिर तरीके से उसको एक गति एक रफ्तार देना, उनमें भी कई सारे हमारे व्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होता है उसको झेलना खैर कोई बात नहीं। आज लगभग 365 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप नियुक्त हो रहे हैं। बड़ी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया होगा इस पद को पाने के लिए, इस जगह में आने के लिए, इस नौकरी को पाने के लिए और आज के दिन में रोजगार को लेकर एक अलग माहौल ऐसा बना है कि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए एक चुनौती भरा था और कई नीति निर्धारण ऐसे हुए हैं जहां रोजगार की जो एक परंपरा थी वो टूटी सी हुई पड़ी। कई लोग ये कहते हैं कि हमने 4 साल में किया था, तो मैं भी यही कहता हूं कि हमने 4 साल में ये दिया जो सामने बैठे, आज आप CHO पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। हम लोगों ने पशु चिकित्सक का भी नियुक्ति किया है, हम लोगों ने चिकित्सा पदाधिकारियों का भी नियुक्ति किया है, हम लोगों ने लैब असिस्टेंट का भी नियुक्ति किया है। पहली बार फॉरेंसिक लैब के लिए जो साइंटिस्ट है उसकी नियुक्ति हम लोगों ने की, आयुष चिकित्सक का भी नियुक्ति हम लोगों ने किया, कई सारे स्वास्थ्य क्षेत्र और रोजगार को लेकर के और सरकार के अंग को लेकर के, क्योंकि हमें भी हर क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य के अलावा और भी कई कृषि का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें भी काम करने की आवश्यकता है। और जब तक मैन पावर आपके साथ नहीं होगा तो इतना बड़ी व्यवस्था को खींचने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। आप लोग ट्रेन तो देखते हैं, ट्रेन कितना लंबा होता है, 17-18 बॉगी का होता है, हम लोग बॉगियां तो गिन लेते हैं लेकिन उसमें चक्के कितने लगे होंगे कोई नहीं गिनता होगा। तो उतनी चक्के की आवश्यकता पड़ेगी तभी उतनी बड़ी ट्रेन
आसानी से चलेगी। लेकिन फूल की बातें मैं नहीं करना चाहूंगा। हम लोगों के इस चुनौती भरे वक्त में भी कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति, हॉर्टिकल्चर में पदाधिकारियों की नियुक्ति, पंचायत सचिव की नियुक्ति, लिपिक की नियुक्ति, लेखापाल की नियुक्ति, टीचर्स की नियुक्ति, जूनियर इंजीनियर हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, दांत के डॉक्टर हो, इन सबकी नियुक्ति हम लोगों ने की। ए ग्रेड नर्सेस का भी नियुक्ति हम लोगों ने किया था। इसके साथ साथ राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर न्याय व्यवस्था खड़ा हो, इसके लिए एबीपी का भी हम लोगों ने नियुक्ति किया। तो कई ऐसे नियुक्तियां अभी हम लोगों ने की है और हजारों नियुक्तियां अभी प्रक्रिया के अंतर्गत है। अभी कई नियुक्तियां का प्रक्रिया भी चल रहा है। तो हमारे कुछ साथियों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे होते तो शायद इस कोरोना काल में हमारे दो दो मंत्री शायद वो हमारे साथ होते, आज वो हमारे बीच नहीं है। तो इसलिए आप लोगों की भूमिका स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी है। आप लोग ऐसे जगह रहेंगे जहां आप ऐसे ऐसे लोगों से आप लोगों को आपके सामने आएंगे जहां शायद वो अपनी बीमारी के बारे में भी ठीक से नहीं बता पाए, आपको उसके बारे में भी इतना अपना मानसिक ये को बना के रखना होगा कि हम उसका उपचार करें। आज आपकी सहायता के लिए हमारे हम तो लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर के चिंतित रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसका आने वाला समय में रोड प्लान, इसका जो एक लंबा कार्य योजना तैयार करने का एक होमवर्क किया है, बहुत जल्द हम लोग इस राज्य में बिल्कुल मतलब शायद उसके बाद राज्य के बाहर लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था हम लोग यहाँ लाने की या स्थापित करने की तैयारी में। डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और आज हम लोगों को CHO का नियुक्ति पत्र मिला है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आए थे जिनके द्वारा मिला है, तो हम लोग बहुत खुश हैं। आगे हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे वर्क, मतलब जितने अच्छे से कर पाए, जितना हो पाए, तो हम अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे कि वर्क को अच्छे से करें। मैं लोहरदगा से आई हुई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रहा है नियुक्ति पत्र मिल करके। CHO में ऐसा है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जहाँ पे गांव में हम लोग को मिलेगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलेगा, जहाँ भी अच्छे डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड की जाती है तो वहाँ पे हम लोग अपना ट्रीटमेंट देंगे। और लोगों को यही कहना है कि हम यहाँ तक मेहनत करके पहुँचे हैं, मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अपना कार्य अच्छे से किया जाए। इस बार 365 ही नियुक्ति हो पाई जबकि कई रिक्तियाँ अभी बची हुई है और आगे चल करके सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे चल करके फिर से वो निकले वैकेंसीज़।